उर्दू टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल के आइकन पे क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू उर्दू टीवी। अच्छा फ्रेंड्स, आजकल जो है बहुत से ट्रिक आ रहे हैं कि आप मोबाइल को किस तरह अपनी स्पीड अप कर सकते हो, अपने मोबाइल की जो रैम है किस तरह बढ़ा सकते हो, अपने मोबाइल की बैटरी लाइफ किस तरह एक्सटेंड कर सकते हो, अपने मोबाइल की इंटरनल मेमोरी को किस तरह सेव कर सकते हो और ज़्यादातर फेक होती है। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान ट्रिक सिखाऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल की बैटरी लाइफ, अपने मोबाइल की इंटरनल स्पेस, अपने मोबाइल की रैम वगैरह और बैटरी और स्पीड अप भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको जो है क्रोम या अपनी ब्राउज़र जो है, जो भी ब्राउज़र हो आपकी, खुलने पड़ेगी। देखिए ये गूगल क्रोम जो है ओपन हो गई है, ठीक है। तो गूगल क्रोम की जो मिनिमम स्पेस है वो 100 के करीब या 100 से बाव भी हो सकती है, बाद में हम देख लेंगे। तो आप किस तरह करोगे, देखिए यहाँ पे जो ये 3 डॉटेड है इसको खोलें और यहाँ पे जो है ऐड टू होम स्क्रीन नाम भी तब्दील कर सकते हैं, ऐड करें। देखिए यहाँ पे वो ऐड हो चुकी है शॉर्टकट, अभी हम देखते हैं। देखिए आप यहाँ से देख सकते हो ये जो है गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम खुल चुकी है। अब इसके बाद हम फेसबुक ट्राई करते हैं। तो जो पेज भी जहाँ पे खुली हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ तो ये पेज जो है यहाँ से खुलेगी। अब मैं फेसबुक पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये पेज, अब यहाँ पे क्लिक कर आप जो है ऐड टू होम स्क्रीन, फेसबुक 1 का नाम मैं दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, यकीन हो जाए। ऐड अब मैं फेसबुक लाइव जो पहले थी फेसबुक 1 को, देखिए फेसबुक 1 यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरह आप एक और ट्राई करते हैं, न्यू टैब को खोल और कोई भी वेबसाइट वगैरह, फॉर एग्जांपल UET लाओ, यानी ये मूवी दो वक्त होगी जब आप कोई उसके लिए कोई एप्लीकेशन आपको जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आप किस तरह करोगे, फॉर एग्जांपल मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे जो है एक एप्लीकेशन वाली वेबसाइट जिसकी एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल दराज, तो यहाँ पे क्लिक करें, ये ऐड है फिर भी क्लिक करें। देखिए दराज जो है यहाँ पे खुल चुकी है, दराज ऑनलाइन शॉपिंग के एक एप्लीकेशन है। अब ये भी तकरीबन या 10 MB की है, 20 की है, मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी बहुत ज़्यादा MB लेते हो या उन एप्लीकेशन के लिए बहुत मुफीद है। आप यहाँ पे जो है इसको ऐड टू होम स्क्रीन पे क्लिक करें और यहाँ पे दराज 2 ताकि आपको यकीन हो जाए कि पैक तो नहीं है। देखिए अभी देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो दराज 2। तो इसी तरह देखिए अभी दराज 2 जो है या दराज जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो चुकी है और इसकी जो
साइज है तकरीबन KB में होगी या 20 KB होगी या 30 KB होगी, जबकि तो अभी जो हमने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की है उसकी कुछ MB, उसकी MB चेक करते हैं कि उतनी कितनी कितनी साइज है थी एक एप्लीकेशन की। तो आपको जो है यहाँ पे एप्स में जाना पड़ेगा। अच्छा, तो एक तो हमने क्रोम तकरीबन 27 MB की है, ये अपडेटेड नहीं है, तक 100 MB तक पहुंच जाती है। तो ये तकरीबन 27 MB की फाइल है, 27 MB आपके मोबाइल की जो है बचत हो गया। यहाँ पे दराज भी देख सकते हैं, 8.64 MB है। इसके बाद फेसबुक जो है, फेसबुक यहाँ से ट्राई करते हैं प्ले स्टोर से, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी नहीं। फेसबुक यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर देता ताकि MB की जो साइज है वो पता चल जाए कि कितनी MB की। कितनी MB की फाइल है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मकसद ये है कि आप इसी तरह अपने मोबाइल की जो है बैटरी, रैम, मेमोरी और यानी पास्ट कर सकते हो अपने मोबाइल को स्पीड अप कर। देखिए 56 MB की मेमोरी की बचत आपको हो जाती है। तो इसी तरह जिस एप्लीकेशन की MB ज़्यादा हो यानी उसकी साइज़ बड़ी हो, तो आप उसके साथ यही ट्रिक करें तो आपके मोबाइल की जो है बैटरी लाइफ है वो एक्सटेंड होगी, इंटरनल मेमोरी बचत होगी और रैम भी सेव होगी और मोबाइल की स्पीड भी बढ़ेगी। ओके व्यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।